नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में कल फिर से अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरला में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा दर्ज की गई। अगर हम स्टेशन वाइज रेनफॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ के मांडवी में 23 सेंटीमीटर, मुद्रा में 22 सेंटीमीटर, ओखा में 17 सेंटीमीटर, अबदासा में 16 सेंटीमीटर और नलिया में 16 सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई है। साथ ही केरल में भी आप देख सकते हैं कलमाशेरी में 13, ओडुंगलुरु में 12 और वडकारा में 12 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आज जो हमारे वेदर सिस्टम्स बने हुए हैं उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक अबदाव का क्षेत्र हमारा कच्छ, उसके सटे हुए अरब सागर और सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्र पे स्थित है। साथ ही एक कम दबाव का क्षेत्र हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। जो मॉनसून ट्रफ है वो आज इस गहन अबदाब के क्षेत्र से होता हुआ मालेगांव, ब्रह्मपुरी, जगदलपुर, कलिंगपट्टनम से होता हुआ इस कम दबाव के क्षेत्र तक जा रहा है। एक ऑफशोर ट्रफ हमारा गुजरात से केरला कोस्ट तक प्रेजेंट है। WD हमारा कल की तरह ही पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। अगर हम आने वाले 24 घंटे की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा अबदाव, गहन अबदाव का क्षेत्र अभी कच्छ, उसके सटे हुए अरब सागर और उसके सटे हुए पाकिस्तानी के क्षेत्र के ऊपर स्थित है, वो आज ही एक चक्रवाती तूफान में इंटेंसिफाई होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो जो चक्रवाती तूफान अभी ये बनेगा अरब सागर के ऊपर, इस चित्र में उसका जो आगे की ट्रैक होगा वो दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम की ओर ही जाता रहेगा और इसके दो दिन बाद ओमान तट के पास एक डिप्रेशन की फॉर्म में पहुंचने की संभावनाएं हैं। इस चित्र में आपको जो हवाएं हैं उनकी उनको दर्शाया गया है। जैसे इस नीले क्षेत्र में तेज़ हवाएं चलेंगी, इसके बाहर वाले क्षेत्र में भी इससे संबंधित हवाएं चलती रहेंगी लेकिन उनकी गति थोड़ी सी कम होगी। साथ ही जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है उसके कारण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के बीच में भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। अगर हम डे वन यानी आज की 30 तारीख की वार्निंग की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में आज भी हमने लगातार वेरी हैवी रेनफॉल की चेतावनी जारी की है। साथ ही वेस्ट कोस्ट पे आप देखें तो केरला, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर भी बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। उड़ीसा पे भी बहुत भारी वर्षा की चेतावनियाँ जारी की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं समूचे जो हमारा सेंट्रल इंडिया, एक मराठवाड़ा को छोड़ के, और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है जो ईस्ट कोस्ट पूर्व से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे भी सब जगह पे भारी वर्षा की चेतावनियाँ आज जारी की गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय और NMMT में भी भारी वर्षा की चेतावनी है। अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा की चेतावनी है और जम्मू कश्मीर में भी आज के लिए भारी वर्षा की चेतावनियाँ जारी की गई है। अगर हम अगले 2 दिन की वर्षा की चेतावनी की बात करें तो जैसे जैसे ये जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र है ये हमारे तट के पास आएगा तो इसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो हमारा आंध्र प्रदेश है यहाँ पे बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, इसलिए ऑरेंज कलर अलर्ट दिया गया है। CK में भी बहुत भारी वर्षा की चेतावनियाँ दी गई हैं। मध्य भारत में MP, विदर्भ और प्रायद्वीप भारत में पूरे ही कर्नाटक,
रायलसीमा और केरला में भी भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई है। समूचे नॉर्थ ईस्ट में भी 31 तारीख के लिए भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं। एक तारीख की अगर हम बात करें तो एक तारीख में आप देख सकते हैं कि जो ये बहुत भारी वर्षा का जोन था वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी वर्षा, समूचे ही जो सेंट्रल इंडिया है उसमें भारी वर्षा, समूचे नॉर्थ ईस्ट में भी भारी वर्षा और उड़ीसा आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। साथ ही अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात से लेकर केरला तक समूचे वेस्ट कोस्ट पे भी भारी वर्षा का दौर 1 सितंबर को जारी रहेगा। अगर हम 2 सितंबर से 5 सितंबर के बीच की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर को जो आपका वर्षा का जोन है वो और थोड़ा वेस्ट में शिफ्ट हो रहा है। बहुत भारी वर्षा तेलंगाना, विदर्भ और ईस्ट एमपी के ऊपर है 2 तारीख को और गुजरात क्षेत्र के ऊपर है। बचे हुए सेंट्रल इंडिया के ऊपर भारी वर्षा, समूचे नॉर्थ इंडिया के ऊपर भारी वर्षा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भारी वर्षा और समूचे वेस्ट कोस्ट पे भी भारी वर्षा जारी रहेगी 2 तारीख को। अगर 3 तारीख की हम बात करें तो 3 तारीख में आप देख सकते हैं समूचे सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया के ऊपर और वेस्ट कोस्ट पे भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख में आप देख सकते हैं कि राजस्थान, एमपी, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का अलर्ट 4 तारीख के लिए दिया गया है। सीके और केरला के लिए भी जारी रहेगा भारी वर्षा का अलर्ट। 5 तारीख को अगर हम देखें तो सेंट्रल इंडिया पे ही बस रेनफॉल की गतिविधि सीमित रहेगी और वहाँ भारी वर्षा का अलर्ट है। तमिलनाडु पे 5 तारीख के लिए भारी वर्षा का अलर्ट दिया गया है। इसी के साथ ही अगर आप हमारे फिशरमैन मछुआरों के लिए जो चेतावनी हमने दी हैं उनको देखेंगे तो क्योंकि हमने आज एक चक्रवाती तूफान अरब सागर के ऊपर बनने की चेतावनी जाहिर की है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गेल विंड्स की जो कि साइक्लोनिक स्ट्रोम के साथ गेल विंड्स हैं जिसमें 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं वो तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी अरब सागर है उस इलाके में आज के लिए, कल के लिए और परसों के लिए 3 दिन के लिए ये चेतावनियां जारी की गई हैं। तो इसलिए हमारी मछुआरे भाइयों से निवेदन है कि वो अगले 3 दिन अरब सागर के अंदर ना जाए। आप हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से नवीनतम मौसम की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।